नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं बोलपुर शांतिनिकेतन पे। यहाँ पे अभी मिलन मेला यानी पौष मेला चल रहा है और ये रविंद्रनाथ टैगोर का जगह है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही टाइम बिताया है और ये टोटली मेला ऑपरेट करता है विश्ववर्ती यूनिवर्सिटी। और इसमें कोई रिलीजन का कोई बात नहीं है, हर धर्म का बंदा आ सकता है और आता है। बहुत ही हर दिन लाखों लाखों लोग आता है जाता है। और यहाँ पे लगभग 1400 इस बार 1400 के आसपास दुकानें बैठे हैं और सब तरह का चीज़ मिलता है। सिर्फ ये एक चीज़ नहीं मिलता, कोई मीट आइटम नहीं मिलता। और यहाँ पे फिश का बहुत सारे आइटम मिलता है खाने के लिए। आप ज़रूर आइएगा इस मेला पे। और ये जो देख रहे हैं ये विश्वभारती यूनिवर्सिटी का कुछ स्मृति है, मतलब मेमोरेबल कुछ फ़ोटो है। ये बहुत ही पुराना फ़ोटो है, इसमें बहुत कुछ दिखाएगा तो आप देख पाएंगे। सब पुराना है, कोई नया चीज़ नहीं है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा नोट कर सकते हैं, ये जो स्टोरी है ये जो दिखा रहे हैं इसमें बहुत ही कुछ छुपा है। ये हम भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जानते, जितना जानते हैं आपको बता रहे हैं, लेकिन ये सब बताने से बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो हम जितना शॉर्टकट हो सके बोल रहे हैं। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ नोट है तो आप खुद देख पाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ लिखा, मतलब वो पेपर में लिखा है। और यहाँ पे बाहर से भी लोग आता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहुत इंटरनेशनल प्लेस है। ये इंटरनेशनल प्लेस है इसलिए बहुत अलग अलग कंट्री से लोग आता है देखने के लिए। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों एक बात बोलना चाहें, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये टाइप का वीडियो और भी हम देंगे तो तभी आप मिल पाएंगे फोटो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि और क्या क्या देना चाहिए था। आपका जो साथ है उनको ज़रूर चाहिए, नहीं तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका ये अटेंशन, आपका ये ज़रूरी बातें हमको मोटिवेट करेगा। ठीक है दोस्तों ये हम आ गए हैं कुछ स्टैचू के ऊपर। देखिए ये पुराना बहुत, ये रविंद्रनाथ टैगोर का समय का एक स्टैचू है। ये बहुत ही बात छुपा इसमें, हम उतना भी बता नहीं सकते। ये आगे आपका कुछ मशीन, पुराना ज़माने का मशीन है, ये चल सकते थे लेकिन अभी थोड़ा ख़राब है, मेंटेनेंस नहीं है, ख़राब है। तो ये उस ज़माने का मशीन है, तब चल सकते थे। आज ज़माने में हम कुछ दिखा है तो चलते हैं, लेकिन ये तैयारी हुआ था आज से बहुत साल पहले। दोस्तों आप आगे हैं ये स्टीमर, यानी ये जो ऊँट का स्टीमर होता है मछली पकड़ने के लिए वो है। इसमें
रविंद्रनाथ टैगोर बैठ के कुछ लिखता था, कविता लिखता था। अब आ गए हैं भीड़ की, बस बहुत ही भीड़ है ये मेला पे। और मेला पे लड़का और लड़की बहुत ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा दिखाई देगा।